हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिग रेड कैंडल बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बिग रेड कैंडल बनने के बाद लोग जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें ट्रैप में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कैसे हम बिग रेड कैंडल बनने के बाद ट्रैप से बचते हुए ट्रेड इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए डिटेल से इसको देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आते हैं और देख सकते हैं, ये जो चार्ट है आपका ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसका इस्तेमाल आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, 1 आवर में कर सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेम स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल किसी भी अलग टाइम फ्रेम में कर सकते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में, यानी 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है जहां पे हम डेली चार्ट में डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले चार्ट पे आना है। अब चार्ट पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला चीज आइडेंटिफाई करना है एक बिग रेड कैंडल, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इसी के ऊपर है और इसी के बाद हमें क्या करना वो देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जो मेन पॉइंट फाइंड करना है एक बिग रेड कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये एक बिग रेड कैंडल है और दूसरा बिग रेड कैंडल यहाँ पे है। अगर हम इन जनरल बात करें तो बिग रेड कैंडल के बाद जनरली लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे सेलर्स हावी है और सेल साइड की तरफ जाना है। पहला बिग रेड कैंडल के बाद अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा बिग रेड कैंडल के बाद जैसे ही आप सेल साइड की तरफ जाओगे प्राइस आपका ऊपर गया है, यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा और अल्टीमेटली आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बिग रेड कैंडल बनने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा बिग रेड कैंडल के बाद हमें लॉस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम सही तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अब हमें इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे करना वो समझने की जरूरत है। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, मतलब इस पार्टिकुलर लेवल पे काफी हद तक सेलर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे भी काफी हद तक सेलर्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है कि इसके बाद फर्दर सेलर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बाई चांस एंट्री लेते हैं सेल साइड की तरफ तो हमें जो एसएल रखना होगा इसके बीच में कहीं, तो हम एसएल नहीं रख सकते, हमें एसएल यहीं पे रखना होगा। अब देखिए ये एसएल यहाँ पे थोड़ा सा हमें बिग लग रहा है। अब एसएल बिग होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब बिग रेड कैंडल बनने के बाद आप सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई रिस्क की ट्रेडर हैं तो आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है तभी ट्रेड लेना बनता, नहीं तो ट्रेड लेना बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल काफी बिग हो जाता है। अगर बाई चांस यहाँ पे आपका एसएल हिट किया, यहाँ पे हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, हम जो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं वो 1830 के करीब एंट्री ले रहे हैं और एसएल जो हमारा बन रहा है वो 1930 के आसपास बन रहा है, यानी लगभग 100 पॉइंट के करीब एसएल बन रहा है। 100 पॉइंट दैट मींस टू लगभग आपका 4 से 5% के करीब यहाँ पे हमारा एसएल बन रहा है, और 4 से 5% अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और उस नुकसान को रिकवर करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप रिकवर भी ना कर पाए और मार्केट से आपको हमेशा के लिए एग्जिट करना पड़ जाए, तो हमें ये गलती नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड कैंडल बनने के बाद हमें सेल साइड की तरफ जाना कैसे है या फिर हमें ट्रेड कैसे करना है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस पार्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स काफी ज्यादा हावी है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर प्राइस वापस से इस लेवल करीब आया तो सेलर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे और फिर वहां से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी होगा, अगर प्राइस आपका वापस से इस लेवल करीब आता है तो यहाँ पे सेलर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे, फिर प्राइस आपका वापस से नीचे गिरेगा। तो हमें दूसरा पॉइंट क्या फाइन करना, पहला तो हमें एक बिग रेड कैंडल फाइन कर लिया, दूसरा बिग रेड कैंडल का जो लो है हमें नियर लो क्या फाइंड करना है, एक पुल बैक फाइंड करना है। अब लो से ज्यादा नीचे होगा तो ये हम छोड़ देंगे, यानी लोएस्ट पॉइंट के नजदीक हमें क्या फाइंड करना, एक पुल बैक फाइंड करना है। अब यहां पे देखिए इसके लोएस्ट पॉइंट के नजदीक से कहीं पुल बैक दिखा है? नहीं दिखा है, तो इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। दूसरा कैंडल हमें ये दिखा, इसके लो के नजदीक से हमें क्या दिखा, पुल बैक दिखा यहां से। अब इस पुल बैक पे हम राइट नहीं करेंगे, इसको हम आईडीटी छोड़ देंगे। हम क्या वेट करेंगे, हम इस लेवल पे वेट करेंगे जहां पे पहले से सेलर्स अवेलेबल है।
अगर यहाँ पे प्राइस आता है और जो बायर्स हैं वो कमजोर होते हैं, क्योंकि बायर्स को यहाँ पे कमजोर होना ही होना है क्योंकि सेलर्स पहले से यहाँ पे हावी हैं, और ये वेट कैंडल, स्ट्रॉन्ग वेट कैंडल हमें वही डिनोट करता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम SL रखेंगे और इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहला जो हमारा रिस्क इंक्रीज हो रहा था वो रिस्क यहाँ पे काफी कम हो जाएगा क्योंकि SL काफी छोटा सा होगा। और अगर हम यहाँ पे रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट बना, यानी यहाँ पे जो भी लोएस्ट पॉइंट फॉर्म हुआ है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, टारगेट के रूप में काम करेगा। तो हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा, यानी वहां पे जो हमारा रिस्क ज्यादा हो रहा था उसको हमने कम किया और रिवॉर्ड हमें अच्छा खासा मिल रहा। मतलब यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, अल्टीमेट टारगेट प्राइस ये होगा। उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और इस टारगेट प्राइस को हिट किया, और डेफिनेटली इस टारगेट प्राइस को हिट करेगा। इनफैक्ट आप चाहो तो ट्रेलिंग SL रख के इससे नीचे भी जा सकते हो, लेकिन यहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना या फिर ट्रेलिंग SL का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में या फिर टेक्निकल एनालिसिस और डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो हमने इसको लेके एक कोर्स लॉन्च किया है। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस तो बताया बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, साथ ही साथ हमने फ्यूचर ऑप्शंस बताया है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपको अवेलेबल है। इतना कोर्स मटेरियल अवेलेबल है कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल से सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या फिर फ्यूचर ऑप्शन सीखना है तो आप एक बार हमारे ऐप को डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे एग्जाम्पल पे आना चाहेंगे। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं HCL टेक के डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और प्राइस काफी नीचे आ गया, यानी रिवर्सल तो दिखा है लेकिन लोएस्ट पॉइंट के काफी नीचे से रिवर्सल दिखा है और प्राइस आपका इसी करीब भी आया है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अवॉइड करना प्रेफर करेंगे। अगर इसको ट्रेड करते हैं तो हम ट्रैप में फंस सकते हैं, तो हमें चाहिए लोएस्ट पॉइंट के नजदीक से रिवर्सल चाहिए। दूसरा बिग रेड कैंडल आपका यहाँ पे बना है और इसके लोएस्ट पॉइंट के नजदीक से हमें क्या दिखा है, रिवर्सल दिखा है। और यहाँ पे हमने पहले बात किया था कि काफी हद तक सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, ये पूरा का पूरा सेलर्स का इलाका है। और यहाँ पे आने के बाद हमें दो चीज देखने को मिलता है, एक तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, यानी जो भी लोग इस लेवल पे एंट्री किए होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा यहाँ पे जो सेलर्स हैं वहां से हमें उनके तरफ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, एज ए रिजल्ट यहाँ से प्राइस नीचे जाना बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ क्लियर कट एंट्री हम ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर हम एज ए SL लगाएंगे और टारगेट प्राइस इस लोएस्ट पॉइंट को रखेंगे। और यहाँ पे भी देखिए इस लोएस्ट पॉइंट जो हमारा टारगेट प्राइस था उसको आसानी से हिट कर दिया है। तो इसके बेसिस पे हम चाहो तो कम टाइम फ्रेम में लेके इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम यूज करें इसलिए यहाँ पे हमें क्या ट्रेड लेना होगा, हमें पोजिशनल ट्रेड लेना होगा या फिर यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड के लिए कर सकते हैं। बस आपको यही एक बिग रेड कैंडल फाइंड करना और बिग रेड कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके आसपास से हमें क्या चाहिए, पुलबैक चाहिए, हमें रिवर्सल चाहिए, और वो रिवर्सल कहाँ जाना चाहिए, इस कैंडल का जो रेड कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां तक जाना चाहिए, फिर वहां पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। इस तरीके से अगर आप सेल साइड की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आप ट्रैप में कम फंसोगे और आपका रिस्क भी काफी कम रहेगा, जो कि हमें ऑलरेडी कम करना है क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद सेल करने का मतलब है कि रिस्क ज्यादा हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा बट काफी क्रूशियल और ऐसा कंटेंट है जो कि आपको लॉस अवॉइड करने में हेल्प करेगा, ट्रैप से बचने में हेल्प करेगा और आपको स्योर शॉर्ट प्रॉफिट बना के देगा। कई बार आपको लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, लेकिन आपने जो मिस किया है वहां पे आप बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते थे फ्यूचर आने वाले टाइम में, तो उससे आप बच रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।